शिवपुरी से खबर सामने आ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनियर में एक कार का गेट खोलने पर मोटरसाइकिल कार के गेट से टकरा गई, जिसके बाद दोनों बाइक सवार नीचे गिर पड़े। वहीं कार चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक सवारों की मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार सोनू कुशवाहा ने बताया कि 14 अप्रैल को वह अपनी माँ बैजंती कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल से अपने प्लॉट मनियर से गाय का दूध निकालकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में नरेश कुशवाहा के घर के सामने खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे नरेश कुशवाहा के बच्चे ने गेट खोल दिया, जिससे गेट में मोटरसाइकिल टकरा गई और सोनू कुशवाहा और उसकी मां दोनों नीचे ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद नरेश कुशवाहा अपने 3 साथियों के साथ घर के अंदर से निकल कर आया और गाली गलौज करने लगा। सोनू कुशवाहा ने बताया कि नरेश कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर माँ और मेरी मारपीट की, जिससे हमारे शरीर में चोटें आई हैं। वहीं इसकी सूचना जब पुलिस थाने कोतवाली में दी गई तो वहां पर हमारी शिकायत दर्ज कराई गई है। सोनू कुशवाहा ने बताया कि मारपीट करते देख भाई धनीराम कुशवाहा, निर्मल कुशवाहा, पिता सरवन कुशवाहा भी मौके पर आ गए और बीच बचाव करने लगे। नरेश कुशवाहा ने उनके साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की। बाद में बचाने भाभी सरोज बहन सविता भी मौके पर आईं, उनकी भी मारपीट की गई। सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। भैया बंटी कुशवाहा, मैं मनियर फतेहपुर मनियर। घटना ये थी भैया कि कल मेरा भाई और मम्मी गई थी अपने गाय को लेने, गाय का दूध निकालने के लिए। उधर से लौटते वक्त आ रही थी तो अपना एक उसका क्या नाम है जो फरियादी नरेश कुशवाहा, उसके घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसके बच्चे ने एकदम अपना गेट निकाल दिया। गेट निकालने के बाद जैसे ही गाड़ी उसमें लगी तो उठाने हम गिर गए वहाँ पे। गिरने के बाद उन्होंने उठाने के बाद हमारे साथ मारपीट की छोटे भाई के साथ। फिर हम पहुंचे तो हमारे साथ भी मारपीट की। इसके बाद में हम FIR कराने गए हैं। 4 घंटे कम से कम कोतवाली में बैठे रहे हैं। उसके बाद हमारी कोई FIR नहीं की गई। उसके बाद हमें ये NCR का ये नोट जी दे के वहाँ से भगा दिए गए। यहाँ भी वहाँ पे कम से कम हमारे साथ कम से कम 20 लोगों ने मारपीट की। उसके भाई रिश्तेदार, उनके यहाँ शादी का प्रोग्राम थी, सब लोगों ने मारपीट की। हम 7 लोग घायल हैं, जिसमें 3 लेडीज हैं और उसमें गोली फायरिंग भी हुई है हमारे ऊपर। फायरिंग मतलब फायर चलाया गया। किसने चलाई थी फायरिंग? वही फरियादी उसी पर। रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं हमारे पास, रात में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कितने बजे की घटना? घटना हुई है ये 9:30 से 9:30 के बीच की। ये आरोपी है वो आप ही के पड़ोसी है क्या? पड़ोसी सर, सामने ही पड़ोसी मानी है उस। कोई पुराना विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं सर। उसने इस तरह की हरकत क्यों की? उनके यहाँ सर प्रोग्राम तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शराब पी हुए थे, उनके से हमारा बात वैसे मुतरा समझौता भी हो गया। समझौता के बाद उन्होंने पीछे से वार किया हमारे ऊपर। समझौता ये हुआ कि चलो गलती हो गई, बच्चे से गलती हो गई, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो हम अपने घर निकला है, वो भी अपने घर निकले। लेकिन उनके बाद उन्होंने पीछे से जाके हम पे हमला किया। उन्होंने लाठी डंडे तलवार और कुल्हाड़ी वगैरह जो जो दिया उन्होंने, जो उनके हाथ में पड़ा उनसे। NCR जी आपके सामने, और मैं 4 घंटे के बाद हमको बैठा के NCR की इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी FIR की जाए और हमें न्याय मिले।